आज मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अर्ल नाइटिंगेल ने सबसे अजीब रहस्य के नाम से लोगों तक पहुंचाया है। इस हिंदी अनुवाद में गीता के उपदेशों को भी शामिल किया गया है। अगर आप 25 साल की उम्र में 100 लोगों को ले और उनसे पूछें कि क्या वे सफल होना चाहते हैं, वे कहेंगे हाँ बिल्कुल। वह उत्साहित होगा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, जीवन उसे बहुत ही रोचक साहसिक कार्य की तरह प्रतीत होगा। जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका क्या होगा? एक व्यक्ति धनवान होगा, 4 व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, 5 अभी भी काम कर रहे होंगे, बचे 90 हार मान लेंगे और दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। इतने लोग असफल क्यों होते हैं? इसे समझने के लिए सफलता को परिभाषित करना जरूरी है और सबसे उत्तम परिभाषा मुझे आज तक यही मिली है। सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति सफल है, ऐसा ना करने पर वह असफल है। आज की इस पीढ़ी में साहस का विपरीत कायरता नहीं, अनुरूपता है। हम सुबह क्यों उठते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे करते हैं या आपका अपना उद्देश्य है? इतनी जल्दी क्यों उठना? जो व्यक्ति रोज सुबह उठता है उससे पूछ के देखो तो जवाब मिलेगा। यदि तुम वहां जा रहे होते जहां मैं जा रहा हूं तो तुम जल्दी उठ जाते। यदि तुम वो देखने जा रहे होते जो मैं देखने जा रहा हूं तो तुम जल्दी उठ जाते। अगर तुम वो होने वाले होते जो मैं होने जा रहा हूं तो तुम जल्दी उठ जाते। यदि तुम वो महसूस करने जा रहे होते जो मैं महसूस करने जा रहा हूं तो तुम जल्दी उठ जाते। अगर तुमको वो मिलने वाला होता जो मैं लेने जा रहा हूं तो तुम जल्दी उठ जाते। सफल कौन है? वह व्यक्ति जो प्रगतिशील रूप से एक योग्य आदर्श को साकार कर रहा है। सफल वह व्यक्ति है जो जानबूझकर एक पूर्व निर्धारित कार्य कर रहा है, क्योंकि वह पहले से निर्धारित है और उसने जानबूझकर ऐसा करने का फैसला किया। 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा करता है, जो सिर्फ 5% है। सफलता जानबूझकर पूर्व निर्धारित कार्य करने को ही कहते हैं। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो हमें पहले से ही बता दे कि एक व्यक्ति सफल होगा? हाँ, एक कुंजी है और मैंने उसे खोज लिया है। बहुत से लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि अन्य लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं फिर भी सब कुछ हासिल करते दिखते हैं, जैसे कोई जादुई स्पर्श हो जो सब कुछ सोने में बदल दे। शायद आपने सुना हो, वह जिस चीज को छूता है वह सोना हो जाता है, सफल होता है और सफल होते ही जाता है, जबकि असफल व्यक्ति असफल होते रहता है। इसका एकमात्र कारण है लक्ष्य। जिनके पास लक्ष्य होता है वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। यह इतना आसान है। एक जहाज अपने कप्तान के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन वही जहाज बिना कप्तान के कहीं नहीं पहुंचता। वह यदि किसी तरह से समुद्र में निकल भी गया तो या तो वह डूब जाएगा या किसी वीरान टापू पर पहुंच जाएगा। निर्धारित लक्ष्य वाले लोग सफल क्यों होते हैं और बिना निर्धारित लक्ष्य वाले लोग असफल क्यों होते हैं? एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सौभाग्य आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। जो चीजें आप चाहते हैं वे आपके अनुरूप होने लगेंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफलता की कुंजी है हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। दुनिया के सभी दार्शनिक इस एक विचार के साथ पूर्ण सहमति रखते हैं। इतिहास में और शास्त्रों में भी इसे कई बार कहा गया है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों के अनुरूप बनता है। मार्कस ऑरेलियस। मनुष्य जिसके पास एक निश्चित उद्देश्य है वह उसे अवश्य पूरा करे, और कुछ भी चीज ऐसी इच्छा शक्ति का विरोध नहीं कर सकती जो इसकी पूर्ति के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा दे। डिज़राइली। हमें केवल अट्टी कठोरता से ऐसा मान लेना है कि विचाराधीन वस्तु वास्तविक है और यह हमारे जीवन के साथ जुड़कर इतना वास्तविक हो जाएगी कि यह वास्तविक लगने लगेगी। यह हमारी आदत और भावनाओं के साथ इतना बंध जाएगी कि हमें इस पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यह वास्तविक ही है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बन जाएंगे। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रहने लगेंगे। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे। आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज की इच्छा रखें और सिर्फ उसी चीज की विशेष रूप से इच्छा रखें, और साथ ही साथ 100 अन्य असंगत चीजों की इतनी ही प्रबल इच्छा ना रखें। लोग हमेशा अपनी स्थिति के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता,
जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे वो लोग होते हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं। यदि वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें बना लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यदि तू विश्वास करता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Mark 9:23 बाइबल। यदि आप नकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। समृद्धि का नियम है विश्वास करो और सफल हो जाओ। हमारे संदेह गद्दार होते हैं और इसी के चलते प्रयास नहीं करने से हम उस अच्छे को खो देते हैं जो हम अक्सर जीत सकते हैं। विलियम शेक्सपियर। सभी मनुष्य का विश्वास उसके मन की प्रकृति के अनुरूप होता है। सभी लोगों में विश्वास होता है और उसके विश्वास की प्रकृति जो भी हो वास्तव में वे वही हैं। भगवद गीता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। भगवद गीता। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास कोई ठोस लक्ष्य होता है वह वही बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। जिस व्यक्ति के पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, वह डर, चिंता, घबराहट के बीच फंसा रहता है और अगर वह कुछ भी नहीं सोचता तो वह कुछ भी नहीं बन पाता है। हम जो सोचते हैं वो क्यों बन जाते हैं? मनुष्य का मन एक उर्वर भूमि की तरह है जो इस बात की परवाह नहीं करती कि आप इसमें क्या बोते हैं। आप इसमें जो कुछ रोपेंगे वह उसे वापस कर देगी। मनुष्य का मन इस क्षेत्र में जमीन की तुलना में कहीं अधिक उपजाऊ है और आप इसमें जो कुछ भी बोएंगे वह कहीं अधिक मात्रा में वापस आएगा। यदि आप सफलता का पौधा लगाते हैं तो यह सफलता लौट आएगा। यदि आप एक ठोस सार्थक लक्ष्य लगाते हैं तो आपको एक सार्थक प्रतिफल मिलेगा। जीवन में जो कुछ भी सार्थक है वह मुफ्त में हमारे पास आया है। हमारा मन, शरीर, आत्मा, आशा, महत्वाकांक्षाएं, बुद्धि, परिवार, बच्चों, पौधों और देश के लिए प्यार, ये बेशकीमती संपत्ति हमारे पास मुफ्त में आई है। जिन चीजों पर हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है वे वास्तव में सस्ती होती हैं और इन्हें कभी भी बदला जा सकता है। संपत्ति को पुनः पाया जा सकता है, घरों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। हम में से अधिकांश अपनी क्षमताओं के 10% पर कार्य कर रहे हैं। अभी निर्णय लें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये रहा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला। तुम क्या चाहते हो इसे अपने मन में बिठाओ और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। यह प्रकृति के नियम की तरह है। हम में से हर कोई अपने स्वयं के विचारों का कुल योग है। आप वही हैं जहां आप होना चाहते थे। अपने विचारों को भविष्य के विचारों से भरें और यह आपके दिमाग को ढालेगा और आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। आप अपने मन के द्वारा निर्देशित होते हैं। यही सबसे विचित्र रहस्य है। जीवन रोमांच से भरा होना चाहिए। आपको खुशी खुशी सुबह अपने बिस्तर से उठना चाहिए और उस काम पर जाना चाहिए जिसे करना आप पसंद करते हैं, क्योंकि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं। हमें अपने जीवन को एक रोमांचक साहसिक कार्य बनाना चाहिए। जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। मैथ्यू। भारी मुनाफा कैसे प्राप्त करें? इस रहस्य को व्यवहारिक परीक्षा में डालने से यह संभव है। यह 30 दिन की परीक्षा है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का नियम है। यह 30 दिवसीय परीक्षा आपके द्वारा किए गए प्रयास के सीधे अनुपात में है। सफल डॉक्टर वर्षों के अभ्यास से ही बनते हैं। सफल विक्रेता वही है जो अपने परिवार को विचार बेचते, बच्चों को सपने बेचते, कर्मचारियों और सहयोगियों को असाधारण व्यक्ति होने के महत्व को बेचते। हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो चाहे जो भी हो। इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहला, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। भावनात्मक और बौद्धिक रूप से यह समझना कि हम वस्तुतः वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। यदि हम अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए। जो बोओगे वो पाओगे। दूसरा, कल्पना। आपकी सीमाएं स्वयं पर ही थोपी हुई हैं और आपके लिए कुछ करने के अवसर की संभावना आपके विश्वास से परे हैं। संकीर्णता, क्षुद्रता और पूर्वाग्रह से ऊपर उठना ही बेहतर है। तीसरा, साहस। अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को मजबूर करने के लिए अपने पूरे साहस का प्रयोग करें। अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य निर्धारित करें। समाधान के लिए सभी संभव दिशाओं से अपने अद्भुत दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सोचने दें। यह मानने से इनकार करना कि आपके लक्ष्य की सिद्धि में आपको हराने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत परिस्थितियां उपलब्ध हैं। रास्ता स्पष्ट होने पर तुरंत और निर्णायक रूप से कार्य करना।
इस तथ्य से लगातार अवगत रहना कि आप अपने उत्तम हीरे के समक्ष ही खड़े हैं। चौथा, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में क्या नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो इसमें बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उस अद्भुत जीवन की कीमत चुकानी होगी जो हमारा हो सकता है। पांचवा, कर्म। कर्म के बिना विचार बेकार है। विचार तब तक बेकार है जब तक हम उस पर अमल नहीं करते, जब तक हम कर्म नहीं करते। इस 30 दिन की परीक्षा को आजमाएं। आपके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। कुछ चाहते हैं ना? ऐसा क्या है जो आप किसी भी चीज से ज्यादा चाहते हैं? पैसे, दुगनी कमाई, सुंदर घर, अधिक सामंजस्यपूर्ण परिवार, सफलता। सुनिश्चित करें कि यह एक ही लक्ष्य हो और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, विशिष्ट और समयबद्ध। इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने साथ हमेशा लेकर चलें, ताकि आप इसे दिन में कई बार देख सके। हर सुबह जब आप उठते हैं तो इसके बारे में खुशी खुशी, अच्छे मन से, आराम से और सकारात्मक तरीके से सोचें, तो आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप उठना चाहें, जिसके लिए आप काम करना चाहें, जिसके लिए आप ये जिंदगी जिए। सोने से पहले हर मौके पर इसे देखें। आपको वह बनना चाहिए जो आप सोचते हैं, और चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं और आपको यह एहसास होता है कि जल्दी ही यह आपका हो जाएगा, यह आपका है जिस क्षण आप इसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कठिन है तो इसकी आदत बनाना। एक बार आदत बनने के बाद यह जीवन भर आपका साथ देगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जिस चीज से भी डरते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दें। जब भी आपके मन में किसी नकारात्मक विचार को लेकर डर आए तो उसे अपने सकारात्मक सार्थक लक्ष्य की मानसिक तस्वीर से बदल दें। कभी कभी आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए। याद रखें, मनुष्य के लिए सकारात्मक सोचने के बजाय नकारात्मक सोचना आसान होता है, इसलिए केवल 5% लोग ही सफल होते हैं। उस समूह से बाहर आओ, ऐसे 95% लोगों को छोड़ दो, ऐसे 95% लोगों से दूर चले जाओ, ऐसी मानसिकता को ही छोड़ दो। आपको 30 दिनों के लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना है और वह उसी चीज के बारे में सोचेगा जिसको सोचने की आप उसे अनुमति देंगे। 30 दिनों के लिए प्रत्येक दिन जितना आपको करना है उससे कहीं अधिक करें। अपने सकारात्मक और प्रफुल्लित दृष्टिकोण को बनाए रखने के अलावा अपने आप को पहले से कहीं अधिक महत्व दें। ऐसा करो और जीवन में तुम्हारा प्रतिफल उसी अनुपात में होगा जिस हिसाब से तुम प्रयास करोगे। जिस क्षण आपने अपने लक्ष्य पर काम करने का फैसला किया, आप तुरंत ही एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। आप उस दुर्लभ श्रेणी के व्यक्ति हो जाते हैं जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। हर 100 व्यक्ति में से आप टॉप 5 में हैं। इस बात की ज्यादा चिंता ना करें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दें, इसे परमात्मा पर छोड़ दें। आपको केवल यह जानना है कि आप कहां जा रहे हैं, और उत्तर अपने आप और सही समय पर आएंगे। इन शब्दों को याद रखें, पूछो और दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वो पाता है, और जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा। आपको केवल 30 दिनों के लिए एक उद्देश्य और पूर्ण विश्वास चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, इसे एक हंसमुख उत्साहपूर्ण तरीके से करें, और आपको प्रचुर मात्रा में फल वापस मिलेगा। बदले में कुछ भी पाने की सोचे बिना इसे करें और आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, उसे ऐसा करें जैसा आपने 30 दिनों से पहले कभी नहीं किया है। और यदि आपने अपनी मेज पर हर रोज अपने लक्ष्य को अपने सामने रखा है तो आप इस नए जीवन से आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो आपने पाया है। कार्य ऐसे करें जैसे कि विफल होना असंभव है, इसे 30 दिन तक अवश्य करें। निरंतर प्रयास से आप विश्वास प्रदर्शित करते हैं। विश्वास को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निरंतर प्रयास करना। विश्वास के बिना आप निरंतर प्रयास नहीं कर सकते।
यदि आप 30 दिनों के अंत में असफल हो जाते हैं तो उस दिन से फिर से 30 दिनों के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। एक नई आदत बनेगी। एक कार्ड बनाओ, एक लक्ष्य कार्ड। एक तरफ लिखें अपने लक्ष्य को, वो भी निरंतर काल में। दूसरी ओर लिखें पूछो और दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। चिंता ना करें, चिंता भय लाती है और भय अपंग बना देता है। क्रोध निर्णय को धुंधलेपन की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवद गीता। आपको ये चीज परेशान इसलिए करती है क्योंकि आप यह सब अपने आप ही करने की कोशिश करते हैं। आपको बस अपना लक्ष्य अपने सामने रखना है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सब कुछ अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दो, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। याद रखें कि हमेशा शांत और खुश बने रहें। किसी भी चीज से अपने आप को परेशान ना होने दें जो आपको अपने रास्ते से हटा दे। आदत बनाने के लिए इसे पढ़ते और सुनते रहें। पैसे कमाने का एकमात्र तरीका लोगों को आवश्यक और उपयोगी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। इसलिए नियम ये है कि बदले में आपको जो कुछ मिलता है वह आपकी सेवा के सीधे अनुपात में होता है। सफलता पैसे कमाने का परिणाम नहीं है, पैसे कमाना सफलता का परिणाम है और हमारी सेवाओं के सीधे अनुपात में है। आपको सेवाएं देनी होंगी और रिटर्न आपको किसी भी दिशा से आएगा। हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा से सफलता मापी जाती है। पैसा सेवाओं को मापने का एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति तब तक खुद अमीर नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों को समृद्ध नहीं करता। इस बात का कोई अपवाद नहीं है। यदि आप अधिक हासिल करना चाहते हैं तो आपको बदले में अधिक सेवाओं को देना ही होगा। यदि आप और अधिक हासिल करना चाहते हैं तो आपको और अधिक मूल्यवान बनना ही होगा। एक कीमत जो आपको चुकानी ही होगी। आप दूसरों को धोखा देकर अमीर नहीं बन सकते। आप अपने आप को धोखा देकर खुद को समाप्त कर देंगे। जो हवा आप बाहर छोड़ेंगे आप वही सांस वापस भी लेंगे। आप इसे टाल ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति के इससे भी बड़े कानून हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। खुद को नीचे गिराना बंद कर दें। उन कारणों के बारे में सोचना बंद कर दें कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते, और उन कारणों के बारे में सोचना शुरू करें कि आप सफल क्यों हो सकते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं उसका विवरण लिखकर अपनी छवि को बदलें। उस सफल व्यक्ति की भूमिका निभाएं जिसके जैसा बनने का आपने फैसला किया है। इसे बार बार दोहराएं और यह आपका एक हिस्सा बन जाएगा, और आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी अन्य तरीके से कैसे जी सकते थे। इस तरह से जिए और प्रचुरता के द्वार आप पर वह धन बरसाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास शांति होगी। शांत, हंसमुख और सफल जीवन होगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी जिंदगी है। मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ।